नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग सीखेंगे JavaScript में जो अलर्ट बॉक्स है और इनपुट मेथड जो है वो कैसे किया जाता है। चलिए ज़्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। नोटपैड ओपन करने के बाद जो JavaScript कोड है जिस तरह से लिखा जाता है सेम उसी तरह से लिखेंगे। आप लोगों को पता है ही, पहले मैं बता चुका हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है HTML, उसके बाद लिखना है टैग के अंदर रहेगा टाइटल टैग। यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू इनपुट मेथड, ठीक है, इनपुट डेटा कर देते हैं, ठीक है। टाइटल को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हेड को भी क्लोज कर देंगे, उसके बाद बॉडी टैग को ओपन कर लेंगे और जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया जाता है। तो स्क्रिप्ट कर दिया। आज हम लोग सीखेंगे यूज़र से कैसे इनपुट लेंगे और उस इनपुट को एक अलर्ट बॉक्स के द्वारा कैसे उसको परिणाम जो है कैसे दर्शाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल ए इक्वल टू यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक प्रकार के पॉपअप बॉक्स है। प्रॉम्प्ट बॉक्स के सहायता से आप क्या कर सकते हैं, यूज़र से डेटा इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे इंटर योर नेम कर दिए, ठीक, और इसको डबल कोटेशन के अंदर रखना है और अंत में एक सेमी कॉलन आपको लगाना ही, अगर नहीं लगाएंगे तो ये जीरो शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं वर बी इक्वल टू, फिर एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं और इसमें लिखेंगे इंटर योर टाइटल, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और नेक्स्ट क्या करेंगे, ये फार जो ये जो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल जो डेटा कलेक्ट करेगा यूज़र से वो क्या करेगा, वेरिएबल सी में रखेगा, ठीक है। और वेरिएबल सी में क्या रखेगा, ए और बी को जोड़ कर देगा, यानी ए और बी को जोड़ देगा, ठीक है। उसको अब ये तो काम हो गया, फंक्शन दे दिया, अब इसको दर्शाना है तो हम लोग अलर्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे, ALERT अलर्ट। उसमें डबल कोटेशन के अंदर आप लिख दो योर नेम इज इक्वल टू दे देते हैं और सेमी कलन डबल कोटेशन के अंदर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और सेमी कलन दे के इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो योर नेम यहाँ पे एक आपको ये लगाना है प्लस, देखिए किसको डिस्प्ले करेगा, सी को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे केस सेंसिटिव है, आपको याद रखना चाहिए, तो स्मॉल में ही देना है, कैप्स में देंगे तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा। आप स्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हैं, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया और बॉडी को भी क्लोज कर दिए और HTML को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोडिंग, अब देखते हैं इसका यूज़र के द्वारा कैसे इनपुट लेता है और यूज़र के द्वारा कैसे इनपुट लेता है और इसको कैसे अलर्ट बॉक्स की सहायता से इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसको फाइल को पहले सेव करेंगे, सेव करने का तरीका आपको सेम है HTML की तरह आपको सेव करना है। डेस्कटॉप में मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर लिख दिया इनपुट डॉट HTML मैंने डाल दिया, ठीक है। HTML लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये एक्सटेंशन अगर नहीं लेंगे तो ये रन नहीं करेगा। ये HTML लगाने का मतलब किसी ब्राउज़र पे आपको हाइपर टेक्स्ट जो मार्कअप लैंग्वेज हो किसी ब्राउज़र पे शो करेगा, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, क्रोम हो, जो भी हो। आप ओपन विद करके भी आप ओपन कर सकते हो। तो ये फ़िलहाल मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है गूगल क्रोम है, तो क्रोम से ही ओपन हो जाएगा। तो सेव कर देते हैं और चलते हैं डेस्कटॉप में। यहाँ पे डेस्कटॉप में क्लिक कर देते हैं तो देखो यहाँ पे इनपुट टैग का एक जो आइकॉन है वो ब्राउज़र के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेते हैं और हमारा कोडिंग जो है किस तरह से रन होता है वो चेक कर लेते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कोड जितने सारे मैंने कोडिंग वीडियो डाले हैं सबको देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके पास जाए, ये मैं चाहता हूँ। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप किसी चीज़ का अगर कोई समझने में कोई दिक्कत हो तो हमसे
कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों को पता ही है ही, तो आप कॉल करके भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा कोडिंग जो है रन हो गया, तो इसमें डेटा डालते हैं, एंटर योर नेम। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया, कैप्स में डालता हूँ ताकि सही से दिखाई दे, सभी कुछ डाल दिया ठीक है। इसके बाद ओके करेंगे, फिर जो टाइटल डालना है तो मैंने आलम डाल दिया। अब ओके कर देंगे तो दोनों जोड़ के आएगा आपका जो पूरा नाम, योर नेम इज शफीकुल आलम, ये देख सकते हैं आप डेटा ठीक है। ये अलर्ट बॉक्स है, अलर्ट बॉक्स में एक ही बटन होता है, कौन सा बटन, ओके बटन होता है ठीक। ओके कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कोडिंग का आउटपुट, ये रहा आपका कोडिंग, और ये आपका कोडिंग का आउटपुट। इसमें राइट क्लिक करके आप रिलोड करके इसको देख सकते हो ठीक है। फिर से मैं डाल दे रहा हूँ सेम शफीकुल शफीकुल, उसके बाद ओके कर दीजिए, टाइटल डाल दीजिए आलम, ओके, तो योर नेम इज शफीकुल आलम हो गया। तो ये कोडिंग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए मैं जितने सारे वीडियो यूट्यूब में डाला हूँ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, अब सभी कोडिंग को बार बार देखें और प्रैक्टिस करते रहें, कोई भी एरर आए तो उसको सुधारने की कोशिश करें। और एक बात हुआ है, जो DGET ने कई सारे आपको साइट दिए हैं पढ़ने के लिए, ऐप भी डेवलप किए हैं, वो भी आप उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। और पूरा ऑनलाइन जो वीडियो डाले हैं, ये ऑनलाइन CBT टेस्ट है, पूरा आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट के थ्रू आप जो ट्रेड रिलेटेड डेटा है, चाहे बुक हो, वीडियो हो, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिलहाल अभी आप लोगों को एक ऐप जो बताया गया है भारत स्किल्स, इसको आप मोबाइल में डाउनलोड करिए। खास करके सभी कोपा के बच्चे जो है, आप लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है ही, तो आप लोग क्या करें, इसको ज़रूर डाउनलोड करें। डाउनलोड करें, हमें ग्रुप में इन्फॉर्म करें कि कौन कौन डाउनलोड किया है, कौन कौन नहीं किया है। जो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, घर में किसी का भी मोबाइल है तो उसमें आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और कम से कम डेली 1 घंटे आप मेरे जो वीडियो है, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो मैं क्लास करता हूँ, वीडियो डालता हूँ, उसको डेली 1 घंटे देखें। और थ्योरी का नोट जो मैंने PDF फाइल डेली भेजता हूँ, डेली 2 बजे के बाद एक PDF फाइल में डेली थ्योरी भेजता हूँ, उसको आप लोग अपना जो फाइल है उसमें नोट करिए। कोई भी प्रॉब्लम आए, समझने में दिक्कत हो, हमें फ़ोन करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 6394130474, तो उसमें जाके भी आप हमें कोई भी प्रॉब्लम हो बता सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है, उसमें कमेंट करके भी बता सकते हैं वीडियो कैसे लगा, और वीडियो के बारे में और भी आप लोगों का कोई सुझाव हो कि ये सर ये समझने में दिक्कत आ रही है, ऐसा होना चाहिए था, तो आप लोग मुझे भी बता सकते हो ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, डेली मैं एक वीडियो जैसे डालता हूँ, आप लोग सारे जो है वीडियो ज़रूर देखें। और दूसरे जो बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो कोशिश करें किसी और के मोबाइल से कम 10-15 मिनट टाइम लगेगा, लेके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।